दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पे। इससे जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम पाठकों के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जिनका सेशन 2021 से 24 है। आप लोगों का विशेष कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों को लेकर के कोई अन्य इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर हो या एग्जामिनेशन को लेकर हो या एग्जाम्स मोड को लेकर के हो या एग्जाम्स की तैयारी करेंगे कैसे उसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आया है तो बता दीजिए। तो देखिए आप लोगों को लेकर के एक नई अपडेट आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है, वो क्या है मैं आप लोगों को आगे चल करके बता दूंगा। वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा, वीडियो चल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके रखिएगा। दोस्तों जानकारी के तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का सेशन 2021 से 24 है तो इस सेशन में लगभग 1,75,000 छात्र छात्राओं ने पार्ट वन में एडमिशन लिए हैं। सभी का इंतजार है कि हम लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी किए जाएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे और एग्जाम्स कब होंगे। देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नई अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ने अपडेट जारी किए हैं कि छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में कॉलेज में ही भरे गए हैं। इस स्थिति में उनको यह देखने का मौका नहीं दिया गया कि उन्होंने जो भी चीजें फिलअप की है वो सही है या नहीं है। तो देखिए इसको लेकर के यूनिवर्सिटी के तरफ से आप लोगों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा, जैसे 10th में जारी वैसे ही 12th में जारी किया जाता है। अब आप लोगों के ग्रेजुएशन में भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें आप लोगों को यह चीज देख लेनी है कि आपके द्वारा जो भी फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो सही है या गलत है। गलत होने की स्थिति में सुधार आपको कॉलेज में भी हो जाएगा या यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा, वो अपडेट मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा। अगर आप लोगों का सही रहे तो कुछ भी नहीं करना है, गलत रहे तो सुधार करवाना है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोगों के अगले सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी के DSW के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद आप लोग कहिएगा कि ओरिजिनल कब जारी किया जाएगा, तो सुधार कर लिया जाएगा उसके बाद जो है ओरिजिनल वाला जो होता है रजिस्ट्रेशन कार्ड वो जारी करके आप लोगों के एग्जाम्स के बारे में अपडेट दिया जाएगा। एग्जाम्स के बारे में अपडेट मैं आप लोग को देख दूं कि आप लोग कहिए कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। देखिए एक बार और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा और वैसे छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जो प्रमोटेड हो चुके होंगे, अर्थात एक बार पार्ट वन के एग्जाम्स दिए होंगे और वो प्रमोटेड हो गए होंगे तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा, तो उनके लिए भी यह अपडेट हो जाएगा। और जिन छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कराना छूट गया होगा उनको भी मौका दिया जाएगा। जब उन सभी छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और आप लोगों का एग्जाम्स होगा। एग्जाम्स मोड से पहले आप लोग का ये कमेंट आ रहा था कि सर हम एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, तो आपके मार्केट में जैसे तो रेखा प्रकाशन का गेस्ट पर मिल जाएगा, साथ में रेखा प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, उसमें सभी जितने भी पिछले 5-7 सालों से क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। तो आपके मार्केट में मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर लीजिएगा और उसी से तैयारी करिएगा। तो अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है रेखा प्रकाशन का वो 70-100% तक उसी गाइड से पूछने का रिकॉर्ड रहा है, तो आप लोग मार्केट से ले लीजिएगा और इसे तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम्स मोड के बारे में आप लोगों को बता दूं कि यह इन्फॉर्मेशन मैंने बार बार बताई है कि जितने भी ऑनर्स पेपर आप लोगों का होगा अर्थात प्रतिष्ठा विषय तो वो सब्जेक्टिव मोड में होंगे अर्थात लिखित मोड में ही होंगे, और जो सब्सिडरी या जनरल पेपर होंगे या जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे उनका एग्जाम्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव मोड अर्थात OMRC पे लिए जाएंगे। तो वो चीज आप लोगों को समझ में आ ही चुका है कि मैंने आप लोगों को क्या अपडेट दिए हैं। अभी तक नई अपडेट यही है कि आप लोगों के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अगले सप्ताह तक जारी किए जाएंगे और एग्जाम्स मोड क्या है मैंने आप लोगों को बता दिए, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।